हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्ब्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। जो इस प्रोग्राम को हमारे शोहरा इकराम ने कामयाबी अदा की है नस्ल में कुर्सी खिताबत पर अल्लामा अनवर हुसैन साहब ने अपने खिताब से इस प्रोग्राम को जिंदगी अदा की। एक चमकती हुई तकरीर, एक ऐसी तकरीर, एक ऐसी गुफ्तगू की जैसे किसी ने सादा अंगूठी में नगीना जड़ा, जैसे किसी ने सादा अंगूठी में नगीना जड़ दिया हो और जाते जाते वो एक पैगाम दे गए। और हकीकत यही है, सच्चाई यही है कि अगर हुसैन को मान रहे हो तो हुसैन की भी मान, हुसैन को मान रहे हो तो हुसैन की भी मान। हुसैन के जलसे में आए हो तो सुबह को फजर के वक्त जब मस्जिद के किनारों से अस्सलातु खैरु मिनन्नौम की सदा बुलंद हो जाए तो बिस्तर को छोड़ दो और मस्जिद में रब के आगे अपनी पेशानी को झुका दो। ये पैगाम है इस कॉन्फ्रेंस का, इस प्रोग्राम का, वलमा का, शोरा का। अब मुशायरा सुनने के लिए आप तैयार हो जाए, आमादा हो जाए। कि किसी शायर ने कहा है कि जो चाहते हो जमाने में दबदबा रखना, जो चाहते हो जमाने में दबदबा रखना तो नाम अपने इलाके का करबला रखना। किसी शायर ने कहा है कि जो चाहते हो जमाने में दबदबा रखना तो नाम अपने इलाके का करबला रखना। किसी शायर ने कहा कि ना जाने क्या कहा अब्बास ने चुपके से दरिया से, न जाने क्या कहा अब्बास ने सुनके से दरिया से कि मौजे आज तक साहिल पे अपना सर पटकती है, कि मौजे आज तक साहिल पे अपना सर पटकती है। किसी शायर ने कहा कि महल से, माह से, अख्तर से निकलता पानी, तीर से, नेजे से, खंजर से निकलता पानी, इम्तिहान सब्र का देना था उसे साहिल पर वरना अब्बास की ठोकर से निकलता पानी, इम्तिहान सब्र का देना था उसे साहिल पर वरना अब्बास के ठोकर से निकलता पानी। रोजा तो नहीं रख के आया है, काहे नहीं बोलते, का बात है, कोनो बात है तो बोलते हो काहे, कुछ हूं हां करो, वाह वाह करो नहीं तो हा हा, कुछ करो। जब आपकी आवाज मिलेगी तो लगेगा कि जिंदा दिल लोग हैं, जिंदगी के साथ बैठे हुए हैं, शोरा को सुनने के लिए बैठे हैं, शोरा की पजीराई के लिए बैठे हैं, शोरा की मोहब्बत में बैठे हैं, अच्छी मेहमान नवाजी के लिए बैठे हैं। कभी कभी जैसे जलसा मुंतशिर हो जाता है, मुझे लग रहा है आज कमेटी भी वैसे मुंतशिर है, कमेटी के लोग भी एक जा हो जाए, उनकी जो हिस्ट्री है, जो रिवायत है, जो वलमा और सोना को नमाजने का उनका तरीका है, जो अंदाज है, उस पर आज इस वक्त तक खड़े नहीं उतर पाए हैं। तो मैं अपने बड़े भाई मोहतरम महफूज अहमद सगले भाई से चाहूँगा, मोहम्मद अहमद राजू भाई से चाहूँगा, अपने डॉक्टर साहब से चाहूँगा, मोहम्मद याकूब साहब से चाहूँगा, ये नाम तो मेरे हाफिजे में है और कमेटी के जितने लोग हैं उनके नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ, अगर नाम लिख कर दे दिया जाएगा तो बारी बारी से मैं उनका इस्तकबाल करता रहूँगा। खुलती है बंद होती है असगर की मुठ्ठियाँ, खुलती है बंद होती है असगर की मुठ्ठियाँ, छह माह के अली को भी तलवार चाहिए। खुलती है बंद होती है असगर की मुठ्ठियाँ, छह माह के अली को भी तलवार चाहिए। खुलती है बंद होती है असगर की मुठ्ठियाँ, छह माह के अली को भी तलवार चाहिए। हुसैनियों दोनों हाथों को अपने नबी की मोहब्बत को उठा के बोलो या हुसैन, और बलदावर से बोलो या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों को लहरा के बोलो या करीम नवाज, दोनों हाथों को लहरा के बोलो या गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजारों समातों से गुजर कर,
हजारों समातों से गुजरकर उनके दिलों में जगह बनाकर उनकी मोहब्बतों की फसील पर अपनी मोहब्बतों का चराग जलाकर एक अरसे के बाद फिर आपसे मुलाकात का शरफ हासिल कर रहे हैं जनाबे सदल जलालपुरी। जनाबे सदल जलालपुरी से मैं चाह रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए, वो मुस्कुराते हुए माइक पर तशरीफ ला रहे हैं, पूरा मजमा पूरी बेदारी ईमानदारी के साथ खलूस के साथ अच्छी मेहमान नवाजी के हवाले से जनाबे सदल जलालपुरी का इस्तकबाल करें। मैं सदल जलालपुरी से चाहूंगा कि वो तशरीफ ले आए और अपने अशआर से नवाजे। किसी शायर ने कहा है कि बंद है ऐसे ही मुट्ठी मेरे असगर तेरी, बंद है ऐसे ही मुट्ठी मेरे असगर तेरी जैसे दुश्मन का गिरेबान तेरे हाथ में है, बंद है ऐसे ही असगर मुट्ठी तेरी जैसे दुश्मन का गिरेबान तेरे हाथ में है। मौला अब्बास के हवाले से, नन्हे मुजाहिद अली असगर के हवाले से, करबला के 72 शहीदों के हवाले से, मनकबते इमाम पाक के हवाले से, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाकर जलालपुर की नुमाइंदगी करने वाले शायर जनाब सदल जलालपुरी से मैं चाहूंगा कि वो तशरीफ ले आए और अपने अशआर से नवाजे। जनाब सदल जलालपुरी होकर शहीद आज़म का नक्श पा नहीं मिलता, घर शहीद आज़म का नक्श पा नहीं मिलता, या हुसैन 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 दर शहीद या आज़म का नक्श पा नहीं मिलता, करबला तुझे अरे मोहब्बत से बोल दो क्योंकि मौत को अपने इशारों पे नचाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, और राह तकती है जहन्नम बड़ी बेचैनी से। तवज्जो चाहता हूँ, राह तकती है जहन्नम बड़ी बेचैनी से, है कहाँ फातिमा जहरा को रुलाने वाला, है कहाँ फातिमा जहरा, है कहाँ फातिमा जहरा को रुलाने वाला। बहुत शर्म मोहब्बत से बोल दो, कुछ शेर पढ़ रहा हूँ कसम खुदा से, सुन लो मेरे जाने के बाद मेरी याद को याद सताए, इस तरह का शेर मैं पेश कर रहा हूँ। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ओ गर शहीद आज़म का नक्श पा नहीं मिलता, और तीर ऐ समारा है मुस्कुरा के असगर ने, तीर ऐ समारा है मुस्कुरा के असगर ने, आज तक जमाने क्योंकि ये हमको मालूम है या रसूल अल्लाह या अली अल्लाह अकबर। हो कर शहीद आज़म का नक्श पा नहीं मिलता, सज्जदा हुसैन
जन में आप रू रख ले सजदाए 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 हुसैन मते काबा का पता नहीं मिलता। क्या राजू भाई, अब इससे बड़ा शेर तो नहीं मेरे पास। अरे मोहब्बत से बोल दो दीवाना। और कच्चे भाई बहुत कच्चे। होकर शहीद आजम का नक्श पा नहीं मिलता या हुसैन मरने का हुनर हमने करबला से सीखा है मरने का हुनर हमने करबला से सीखा है वरना हमको जीने का हौसला नहीं मिलता। मरने का हुनर हमने करबला से सीखा है। करबला से मोहब्बत से कर दो पूरा मन मर रहा हाथों को लहरा के कह दो या हुसैन। कसम खुदा की एक से फिर खो रहा हूँ मैं, चाहता हूँ उसको समझ ले आपको तलब कर कह दो सुभानअल्लाह। ओ तीर ऐसा मुबारकपुर में इशारा हुआ तो गरनबी की सीरत का आईना नहीं मिलता, फुल तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिलता। उस वक्त मैंने आश्रित कहा था उसी रदीफ में इस मंतबत को मैं पढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी और मामला में मेरा ही है। बहुत कुछ से बोल दो तलब कर कह दो सुभानअल्लाह। ओ गर शहीद आजम का नक्श पा नहीं मिलता और मंजिले शहादत को ढूंढने कहाँ जाते मंजिले शहादत को ढूंढने कहाँ जाते हमको गर बहादुर का नक्श पा नहीं मिलता मंजिले शहादत को ढूंढने कहाँ जाते। और मोहतरम हमारे राजू भाई हैं, अभी अजान की बात हो रही थी, अजान चल रही है, अजान हो रही है, सलाम हो रहा है। माशाल्लाह एक शेर में पेश करता हूँ किसके सदके में अजान हो रहा है। मोहब्बत से कह दो सुभानअल्लाह। और कसम खुदा की अगर वाकई में हुसैनी मजमा है
इस शेर पर मैं चाहता हूँ कि मजमे से नाराज रहे, तब तो मालूम हो कि आपके दिल के अंदर तड़प है। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी कह दो सुभान अल्लाह। ओ कर शहीद आज़म का नक्श पा नहीं मिलता, अगर न जिंदगी मिलती कर्बला के मक़तल में, अगर न जिंदगी मिलती कर्बला के मक़तल में, गूंजती आज़ादों का सिलसिला नहीं मिलता, अगर न जिंदगी मिलती कर्बला के मक़तल में, अगर न जिंदगी मिलते कर्बला के मक़तल में, पूछती आज़ादों का सिलसिला नहीं मिलता, अगर शहीद से कह दो सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी बोल दो, क्योंकि बच्चों वाली शायरी जो है मैं आखिरी हिस्से में करता हूँ, अब इंशाल्लाह बिल्कुल मैं करूँगा। हमारे ये तलबा बैठे हुए हैं, मैं इनके मिजाज से वाकिफ हूँ, मैं आखिरी हिस्से में करता हूँ, अपने बड़ों से माजरत चाहते हुए मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। उस बड़े शेख ने मैं तलब कर कह दो सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी कह दो सुभान अल्लाह। कि खून में कश्तिये ईमान बर्क हो गई होती, खून में कश्तिये ईमान बर्क हो गई होते, कर हुसैन के जैसा ना खुदा नहीं मिल, शरीफ पर हमारे छोटे भाई मोहतरम नहीं पढ़ता, जो बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं और मुस्कुराते भी बहुत अच्छा, कम से कम उन्होंने 3 सेल्फी अब तक ले लिया है। अब आप देखोगे तो मेरे ख्याल से वो यूट्यूब के साथ साथ पूरे नेट पर पहल रही होगी, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। और बहुत से कह दो सुभान अल्लाह, मैं मक्ता इनके हवाले से पढ़ता हूँ, तड़प कर दीवानों कह दो या हुसैन। कि भीख मांग खुशियों की हाथ उठा के ऐ संदल, भीख मांग खुशियों की हाथ उठा के ऐ संदल, वो अजीम चौखट है उस पे क्या नहीं मिलता, खुशियों की हाथ उठा के आए संदल। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्ब्रा एजेंसी सब्सक्राइब कर